मोटिवेशन का अर्थ होता है प्रेरणा, मोटिवेशन का अर्थ होता है प्रेरणा। और आप लोग बात बात में सुनते होंगे कि हम उसे देख करके प्रेरित हुए, हम उसे देख करके प्रेरित हुए, यानी कि प्रेरणा जो है वह दूसरों से लेनी चाहिए, प्रेरणा जो है वह दूसरों से लेनी चाहिए, अक्सर आप लोग ऐसा कहते सुने होंगे। लेकिन अभी हम आपको बता सकते हैं दूसरों के द्वारा दिया गया मोटिवेशन आपको ज्यादा समय तक काम नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे लोग आपके साथ कब तक रहेंगे, दूसरे लोग आपके साथ कब तक रहेंगे, यह जिंदगी है, यहाँ जन्म के साथ ही संघर्ष शुरू हो जाता है, यह जिंदगी है साहब, यहाँ जन्म के साथ ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और ध्यान से समझ लीजिएगा एक बात, ध्यान से एक बात समझ लीजिएगा, इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, ध्यान से समझ लीजिएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं हुआ। अगर चर्चित होना है तो संघर्ष से परिचित होना पड़ेगा, अगर चर्चित होना है तो संघर्ष से परिचित होना पड़ेगा। जिंदगी है, यहाँ जन्म लेते के साथ ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, जो संघर्ष करते हैं वही जिंदगी के सबसे ऊपरी पायदान तक जाते हैं, वह जो संघर्ष करते हैं वही जिंदगी के सबसे ऊपरी पायदान तक जाते हैं। जिनके पास अपने बाप का धन दौलत होता है वह नीचे रह जाते हैं, और जो संघर्ष करके जाते हैं वही अपने मंजिल तक पहुंचते हैं सबसे। आपको बताते हैं जो आपके सफलता से चलते हैं उनसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक बात आप कान खोल करके सुन लीजिएगा, आपके सफलता से सिर्फ इस दुनिया में दो लोग खुश रहेंगे, आपके सफलता से इस दुनिया में दो लोग भी हटा दीजिए तो सिर्फ एक लोग खुश रहेंगे, सिर्फ एक लोग खुश रहेंगे, और वो कौन है, आपके पेरेंट्स। वो कौन है, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता। आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में आपके सफलता को देख करके सब लोग चलेगा कि भाई आपके माता पिता। एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, जरा बताइएगा, आप लोग जन्म लिए किस चीज के लिए, जिंदगी जीने के लिए कि जीतने के लिए, बताइए। जीने के लिए आप लोग जन्म लिए हो कि जीतने के लिए, जीने के लिए कि जीतने के लिए, बताइए। सब लोग बोलेंगे कि सर जीतने के लिए, जीने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसके पीछे काम करना होगा। डेली जब क्लास चलता है आप लोग लड़कियों के पीछे लगे रहते हो, और लड़कियों के पीछे वो लगता है जिसको जीना होता है, लड़कियों के पीछे वो लगता है जिसको जीना होता है, जिसको जीतना होता है वह तो अकेला सफर करता है, जिसको जीतना होता है वह अकेला सफर करता है, क्योंकि जीतने वाले किसी के साथ का भरोसा नहीं करते, अपने आप पर भरोसा करते हैं, उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तो अगर आप जीतने के लिए आए हो तो फिर दूसरों का सहारा लेना छोड़ दो, अपने आप पर भरोसा रखो। अगर जीतने के लिए आए हो तो दूसरों का सहारा लेना छोड़ दो, अपने आप पर भरोसा रखो। और अगर जीने के लिए आए हो तो फिर आपका मर्जी, आप जिस तरीके से भी जी सकते हो, किसी मोटिवेशन का कोई जरूरत ही नहीं है आपको। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर जुनून है वही कुछ किया है, जिसके अंदर जुनून है वही कुछ किया है, और जिसके अंदर खून है वह तो खून का रिश्तेदारी निभाने में लगे रहते हैं। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। जब सिक्का उछलता है तो आप लोग इंतजार करते हैं कि हेड होगा कि टेल होगा, जब सिक्का को उछालते हैं तो आप लोग इंतजार करते हैं कि हमारा वाला हेड है हेड आ जाए। क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि सिक्का का दोनों पहलू हमारा हो जाए, क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि हेड भी हो तो हमारा और टेल भी हो तो हमारा, यानी कि कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।